अस्सलाम वालेकुम, मेथ्स एंड जीएसटेक्स में आपका खुश आमदीद कहते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री की ये आज हम इस पर दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो इस पर अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले पीएसटी सीटी डीएम पीटी हर एक टेस्ट का आपको बरवक्त नोटिफिकेशन मिल सके, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। इन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड मटीरियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिजीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वेटर गोलेर जो है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी है, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल, इट्स वैलेंसी इज, तो उसकी वैलेंसी हमारे पास क्या होगी। तो 48 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अगला जो क्वेश्चन है, टेफ्लॉन इज इन डैश एलिमेंट है, फर्टिलाइजर है, मोनोमर है और पॉलीमर है, तो ये पॉलीमर है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, द कंबस्टन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो इसमें हमारे पास 50 में जो है ये करेक्ट आंसर जो है हमारे पास सी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिज इज डैश द डोर एंड द कबर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो क्लियर नहीं है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश ज़िलहज्जा को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश ज़िलहज्जा को अरफात के मकाम पर ठहरे और कसवा ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा दिया, जो उसको मशहूर ऊँटनी है उसका नाम कसवा था। तो ये बात है 7, 8, 9 और 10, तो ये 9 ज़िलहज्जा की। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, द डेटा ट्रांसमिशन इज स्प्लिट इन टू अ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ इक्वल साइज डैश, द इंटरनम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इज होल्ड एड्रेस इंडल्ज और पास ऑन, तो ट्रांसमिशन मुंतकिली तरसील से हैं, ट्रांसपोर्टेशन से हैं, तो ये होल्ड हो जाएगा इसका अपोजिट मुतजाद। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर द मेंटल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है और एप्टीट्यूड टेस्ट है और इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे दड़ों की दरियाफ्त कैसे हुई, मुसव्वरी से, नक्शो नगारी से, इंसानी अज़ा की हड्डियों से, जानवरों के अज़ा की हड्डियों से, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है इंसानी अज़ा की हड्डियों से। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 से, हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑर्गेनिज्म डिश आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स है, फंजाई ओनली, बैक्टीरिया ओनली, एलजी बोथ ए एंड बी, तो दोस्तों ये फंजाई और बैक्टीरिया बोथ है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यू सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे, यू सेड जो पहला ऑप्शन है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, यू सेड दैट यू वर नॉट फीलिंग वेल दैट डे, You say that you are not feeling well that day. You said that I was not feeling well that day. You said that you were not feeling well today. तो इसमें हमारे पास यू 70 में जो करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास यू से दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल दैट डे, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, बेंजामिन ब्लूम्स डिस्क्राइब टीचिंग इज अ डैश पर्सन बाई और ट्राइपोलर और सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है मल्टी यूनिट, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, टेक्निक जेट इन्वॉल्व्स इन टीचिंग्स टू एस्ट टू अलाउ स्टडी ऑफ आर्ट्रियल ट्री इज नोन एज, तो इसमें हमारे पास एंजियोग्राफी जो है ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन डैश लीव्स है, रिपन फ्रूट्स है, डी स्टेम है और रूट्स है, तो इसमें लीव्स हमारे पास करेक्ट आंसर है ए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, विच मेथड्स ऑफ टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव पर आवर क्राउडेड
सर्कुलर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो इसका हम कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बता देते हैं, और आप अगर करेक्ट आंसर जानते हैं तो आप भी जवाब दे सकते हैं। दर्ज दिल में से कौन सा लफ्ज़ ठीक है? सवाब, सवाब और सवाब और सवाब। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ना, सवाब हमारे पास करेक्ट है। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन कंप्लीट टेस्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।